नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। 17 अक्टूबर को मजेरा के जंगल में कुंडा नाम के स्थान पर अज्ञात व्यक्ति की लाश झाड़ियों के बीच मिली, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल ने पत्रकार वार्ता बुलाकर पुलिस कंट्रोल रूम पर किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि मृतक के बेनोई का उसकी बीवी के साथ अवैध संबंध होने के चलते इस कत्ल की साजिश रची गई और अपने हेल्पर को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर उसको मजेरा फोर लाइन के रास्ते पर ले गए। मोटरसाइकिल पर ही रस्सी से गला घोटकर मार दिया गया। उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया गया। लाश को पत्थरों के बीच दबा कर रखा गया। उसका सर भी बुरी तरीके से कुचल दिया गया ताकि लाश पहचान में ना आ सके। इस मामले में अहम भूमिका थाना प्रभारी निरीक्षक विकास यादव, BS जालौन, गजन सिंह, सुनील की रही। शिवपुरी से खबर हरपल के लिए मुख्य स्कॉर की खबर। और ये 15 तारीख को रावण से वैश्वर देख लिया था, उसके बाद से घर नहीं आया था। उनको छुट्टी क्लाइम करवाई थी परिवार वालों ने, और बाद में उसकी डेड बॉडी मिली थी हमको मजेरा के जंगल के पास में, आगे छुपा के रखा था। उसमें 300 को 200 क्लाइम किया गया था। उसकी गले पे निशान थे और पैरों में रगड़ने के निशान थे। इसमें हमारे विशेष की थोड़ी बुढ़िया छुट्टी अजय बालो, उन्होंने किए विकास यादव के साथ मिलकर पूरी लगातार टीमें लगाई गई। उसमें जब जानकारी निकाली गई कि उसमें ये पता चला कि इसमें मृतक की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे, और उसके चलते बहनोई ने अपने एक साथी को बुलाकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। उसके कहने पर इस तीनों आरोपियों को पकड़ा है। उसमें ये चर्चा करके आया है कि रावण के बाद में बहनोई अपने साथ में इसको ले गया था, और बाद में रास्ते में उसको गाड़ी से छोड़ दिया गया था हेल्पर के द्वारा, और बॉडी को जंगल में छुपा के कोशिश की गई थी कि उसकी शिनाख्त लोगों मतलब मिले नहीं, और इसमें तीनों औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो रस्सी वगैरह मौके पर थी वो जब्त की गई है। पुलिस ने अभी दोनों औरतों को रिमांड पर लिया है और बच्चे को अरेस्ट किया है, और हम लोग